दोस्तों, आज हम बात करने वाले 50x50 हाउस प्लान की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इसी मॉडल को डिस्कस करेंगे। ये जो दोस्तों मैंने हाउस क्रिएट किया है, फ्रंट एलिवेशन बहुत ही बेहतरीन सा क्रिएट किया है और दो भाइयों के लिए किया है। अगर आप दो भाई हैं तो भविष्य में कभी भी बंटवारा करते हैं तो सिमिलर बिल्कुल मॉडल क्रिएट किया है 50x50 में। और यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन की बात करें तो आपको एक बेस्ट मिलता है, जहाँ पर आपको पोर्च एरिया भी मिलता है और साथ साथ बेहतरीन सा डिजाइनिंग देखने को मिल रहा होगा। इसका मैंने ग्राउंड फ्लोर क्रिएट किया है और ये थ्री साइड क्लोज्ड है। आप देख पा रहे होंगे तीनों साइड से ये क्लोज्ड है और फ्रंट से ही ओपन है। फ्रंट से यहाँ पर इनका मेन रोड है। तो इसी मॉडल को डिस्कस करने वाले हैं। बने रहे स्टूडियो लगातार, मैं हूँ मोहन झागड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मॉल हाउस प्लान। अगर आपने अभी तक स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, साथ सब बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आप लगातार देख सकें। स्मॉल हाउस प्लान पर दोस्तों आपको लगातार अपडेटेड वीडियो मिलते हैं, नए नए मॉडल्स मिलते हैं, नए नए आइडियाज़ मिलते हैं घर के, जो आप देखकर अपने घर को एक बेल डेकोरेट बना सकते हैं। तो जो आज का प्लान है 50x50 में दो भाइयों के लिए, इसे दिखाऊंगा मैं। सबसे पहले इसे जूम करके आपको दिखा दूं, इसका जो रियलिस्टिक व्यू है। देखिए, रेलिंग की अगर हम बात करें तो कॉर्नर पर ये वाला स्टाइल दिया है, ये रेलिंग यहाँ पर दिया है और ये पूरा देखिए डिजाइन। अगर रेलिंग की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे 50x50 में पूरा ये मॉडल मैंने क्रिएट किया है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर चार पिलर दिए हुए हैं, बेस्ट हैं, और यहाँ पर एक पोर्च देख रहे होंगे। और ये साइड में दो बेडरूम है जिसमें मैंने विंडो का इस्तेमाल किया। ये कलर कॉम्बिनेशन दिया है जिससे आपके घर को एक बेहतरीन सा लुक मिले। तो ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो ये इसका ग्राउंड फ्लोर है ओवरऑल, जहाँ से आप एंट्री करेंगे। देखिएगा, ये दोनों आपके पिलर्स हैं तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे। इसके बाद जैसे एंट्री करते हैं तो आपके ये सबसे पहले दो सिमिलर पार्ट में मैंने घर डिजाइन किया। जैसे कि मैंने बताया दो भाइयों के लिए घर है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग पूरा, देखिए जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ से पूरा 50-50 दोनों तरफ डिवाइड हुआ है। तो अगर हम एक तरफ की बात करें तो सिमिलर बिल्कुल सेम बना है। तो मैं राइट लेफ्ट हैंड की बात करूँगा तो सबसे पहले आपको एक बेडरूम मिलता है इस तरफ, सेम टू सेम राइट हैंड में एक बेडरूम मिलता है। एक डोर मैंने इधर से लेफ्ट हैंड में एंट्री करने के लिए दिया है, एक राइट हैंड के लिए दिया है। तो जैसे आप लेफ्ट हैंड से एंट्री करते हैं तो इस साइड आपको ये बेडरूम मिलता है। यहाँ से आप जाते हैं पीछे तो यहाँ पर ये आपका किचन एरिया मिल जाता है, जिसमें आपका ये आपका एक विंडो मिलता है। और फ्रंट का जो आपका बेडरूम है उसमें ये डोर मिलता है लेफ्ट हैंड से। तो आप जैसे एंट्री करते हैं तो आप आ जाते हैं पोर्च में और यहाँ पर देखिएगा सबसे पीछे चार बेडरूम मैंने क्रिएट किए हैं, दो लेफ्ट हैंड के लिए, दो राइट हैंड के लिए। तो दो लेफ्ट हैंड के लिए बेडरूम मिलते हैं। इसके बाद ये स्टेयर्स मिलती है, उसके नीचे एक लेट एंड बाथ है और एक ये जो फ्रंट में बेडरूम था उससे अटैच्ड एक लेट एंड बाथ और क्रिएट किया है, ये किचन है। तो ओवरऑल 25x50 फिट में आपको तीन बेडरूम, एक किचन, दो लेट एंड बाथ और स्टेयर्स मिलती हैं। सेम टू सेम यही पूरा पोर्शन आपको राइट हैंड में मिलता है। यहाँ पर भी तीन बेडरूम, एक फ्रंट में और दो पीछे। और इसके बाद एक किचन वाला एरिया ये, और ये आपका एक स्टेयर्स के नीचे लेट एंड बाथ और एक पीछे लेट एंड बाथ आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल अगर हम 50x50 की बात करें तो यहाँ पर आपको छः बेडरूम मिलते हैं, दो किचन मिलती हैं, चार लेट एंड बाथ और दो स्टेयर्स मिल जाती हैं। फ्रंट में जो आपका पोर्च का डिजाइनिंग है ये देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए मैंने टेक्सचर अलग अलग यूज किया है। और फ्रंट की एंट्री के लिए, फ्रंट वाला जो बेडरूम है इसको मैंने जो एंट्री दी है बाहर से ही दी है, देखिए इसीलिए मैंने डोर यहाँ पर साइड में दिया है। और वेंटिलेशन की बात करें तो सब वहाँ पर प्रत्येक जगह, अगर इसकी बात करें फ्रंट वाले बेडरूम के लिए तो मैंने विंडो दिया है, किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके इसी वजह से ये यहाँ पर मैंने किचन को फ्रंट में रखा है, जिससे आपका हवा पास होता रहे। और एंट्री यहाँ से आपको दी है। तो ये ओवरऑल 50x50 फिट में मैं बात करूँ 2500 स्क्वायर फिट में हाउस क्रिएट होता है, जो कि दो भाइयों के लिए मैंने क्रिएट किया है। भविष्य में कभी भी सेपरेशन हो तो आपका सिमिलर पोर्शन बिल्कुल आप डिवाइड कर सकें। तो ये मॉडल कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अब हम बात करते हैं इसकी लास्ट फ्लोर की। तो लास्ट फ्लोर पर मैंने, जो कि पहले ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, 3.5 फिट का चारों तरफ बाउंड्री और फ्रंट में रेलिंग जो कि 3.5 फिट में ही मैंने कवर किया है, जिसमें स्टील रेलिंग भी कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैंने इंक्लूड किया है और ये भी, ये जो आप पट्टियाँ देख रहे हैं ये भी। तो पूरा ओवरऑल अगर हम बात करें तो आपका वेल डेकोरेट 50x50 में हाउस प्लान यहाँ पर मैंने क्रिएट किया है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और स्मॉल हाउस प्लान चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछें। अगर ओवरऑल हम
इसके कॉस्ट की बात करें तो इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाएं, मेरा एप्लीकेशन है स्मॉल हाउस प्लान नाम से, उसे डाउनलोड कर लें तो वहाँ पर टोटल मटेरियल वगैरह आपका बता देगा, कॉस्ट बता देगा। और मैंने एक पेड सर्विस भी स्टार्ट किया है, जैसा कि मैं लगातार आप लोगों को बताता रहता हूँ, उस पेड सर्विस के माध्यम से आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पर कॉन्टेक्ट करें, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी होगा वैसा हाउस क्रिएट किया जाता है, लेकिन वहाँ पर 50% पेमेंट एडवांस आपको देना होता है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस मॉडल को जैसा भी आपको लगा अपना ओपिनियन दें, कोई भी रिक्वायर्ड है मॉडल है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।